अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शहंशाह सलामत रहे। वजीर आला ने हुक्म दिया था आपको ढूंढने का। खुदा का शुक्र है कि आप सलामत और हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं शहंशाह। इस तरह जलाल बेहोश अब्दुल को लेके दुश्मनों के इलाके को भेदकर शालपुर की ओर कूच कर चुका था। जलाल से मिलने गए थे, अजमेर शरीफ से होते हुए गुजर रहे थे चिश्ती साहब, तो अचानक फौज ने रास्ता बदल लिया और इस रास्ते पर आ गए। सोचा आपसे मिलते चलें। बेटी हमीदा बानो, हमारे सोचने से क्या होता है? सोचा तो उसने है, वो कब कहां किसका रास्ता बदल देगा हम नहीं जान सकते। अगर ऐसा है तो जलाल कब बदलेगा? इस्लाम तो मोहब्बत फैलाता है, सबको अमन और चैन से जीना सिखाता है। फिर जलाल की किताब में अमन क्यों नहीं? क्यों उसके दिल में चैन नहीं? क्यों वो हमारे मजहब का नाम खराब कर रहा है? बेटी, मजहब और मोहब्बत ये अल्लाह की देन है, और ये अल्लाह की देन किसके दामन में गिरेगी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। पर एक दिन जरूर आएगा कि तुम्हारा बेटा समझेगा कि अल्लाह ने हमें यहाँ मोहब्बत के लिए भेजा है, नफरत के लिए नहीं। बेटी, तो क्या जलाल इतना बदलेगा? न सिर्फ जलाल बदलेगा, वो और लोगों की सोच बदलेगा, हिंदुस्तान की तारीख बदलेगा, जीने का फलसफा बदलेगा। समझेगा उस ताकत को जो एक शहंशाह की ताकत से बड़ी होती है, समझेगा मोहब्बत की ताकत को। बेटी, पर मोहब्बत तो बांटने का नाम है सूफी साहब, और जलाल ने तो सिर्फ फतेह करना सीखा है। आएगा वो वक्त, बहुत जल्द आएगा, जब हमारे हिंदुस्तान को, मजहब को, हर इंसान को जलालुद्दीन के नाम पर फख्र होगा। कभी कभी इंसान को ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना पड़ता है, शायद वही वक्त तुम्हारे बेटे का चल रहा है। लेकिन तुम देखना, एक दिन आएगा कि वो फिर के उठेगा, इतना उठेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जलालुद्दीन का नाम रहेगा। आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जख्मी है, लेप लेकर आओ। Thank you.
अब यहाँ? जानने के लिए आए थे कि हमारा बेटा जलाल अपनी बड़ी अम्मी को भूला तो नहीं। आप जानते हैं हम आपको कभी भूल नहीं सकते। ताज तो शहंशाह के सर का मोहताज होता है जलाल। दरताज पहनकर अपनी बड़ी अम्मी से मिलना हमें मंजूर नहीं। हमारी बड़ी अम्मी का दर्जा इन सब से कहीं ऊपर है। वाकई? इसीलिए हमारे बेटे की सलामती की खबर हम तक नहीं पहुंची। इसीलिए कि हमें एक महज दाई माँ है। तो क्या हुआ कि हमने अपना दूध पिलाया, आपको पाल पोस कर पड़ा किया है, माँ का प्यार देने की कोशिश की, आपकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं? आप जानते हैं कि हम मजबूर थे। जानते हैं आपकी हम सियासती बातों में उलझे थे। बड़ी अम्मी हम वाकई शर्मिंदा है। अल्लाह ना करे आपको किसी भी वजह से किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। चौदह साल के थे जलाल आप, जब पहली बार ऐसी एक जख्म पर हमने मरहम लगाया था। जख्म आपके जिस्म पर होते थे और तकलीफ हमारे दिल को पहुंचती थी जलाल, लेकिन खुदा कसम हमने उफ भी नहीं की। सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस जहां का सबसे बड़ा शहंशाह बने देखना चाहते थे हम आपको। आज ये जख्म देखकर हमें बड़ी अम्मी, ये जख्म तारीख है इस बात की कि हमने अपनी जीत को तराशा है। बेशक। जलाल इस बार हमसे थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ? तकलीफ हमें छूने से डरती है बड़ी अम्मी। आप बेझिझक मरहम लगाइए। जहीर के साथ जो बहराम खान ने किया है उसकी मालूमात हमें जल्द से जल्द जलाल तक पहुंचानी होगी। लेकिन कैसे? हकीम साहब, जहीर की तबीयत कैसी है? क्या हुआ जहीर को? बड़ी अम्मी, क्या हुआ जहीर को? जलाल बताइए हमें। आप खुद चलकर देखें तो बेहतर होगा जलाल। मारा हम बहुत बच गया है, अब्दुल के जख्मों पर लगा दीजिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।